आज हम बात करने वाले हैं प्रेयर। मैं बिलीव करता हूं आज के बाद आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आमीन। यस, आइए हम सब खोलेंगे मत्ती, द बुक ऑफ मैथ्यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, हमें हर दिन मजबूत होना है, हर दिन आपको स्ट्रांग होना है। और आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो बहुत ही गहरा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे लोग आए हैं हमारे बीच में, और मैं आपको सच कहता हूं, दिस टीचिंग विल चेंज योर लाइफ। आज की शिक्षा आपके जीवन को बदल देगी अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ पढ़िए मत्ती का 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 का कोई पढ़िए 41। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिएगा किसी भी कारण से, सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा। जागते आराम से जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। या आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हो सके तो अपने बाइबल में इसको टिक कीजिए, बुक मार्क कीजिए अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो। यह वचन आज आपको समझना पड़ेगा। मैं तीन गिनूंगा, हम में से हर व्यक्ति इस वचन को तीन गिनने पर अपनी अपनी बाइबल में लाउडली पढ़ेगा। ओके, 1 2 3। ओके सब आप अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। मात्र 15 या 20 मिनट के अंदर मैं ये वचन पूरा कर दूंगा। सब ध्यान दीजिए, सुनिए। यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को यह नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ही ना आए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं समझा तो, यीशु ने कहा अपने चेलों को प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उसने यह नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो कि जीवन में परीक्षा ना आए। आप जानते हो प्रभु क्या कहना चाह रहा था? यीशु यह कह रहा था, सुनो, प्रार्थना करो, परीक्षाएं आ रही हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना तुम्हें परीक्षा में पड़ने से बचा लेगी। आप जानते हो इनमें से किसी ने भी प्रार्थना नहीं की। अब 5 मिनट सुनिए, जो लोग सच में प्रार्थना का महत्व नहीं जानते, अब सुनिए। जब जीसस ने कहा प्रे, दुआ करो, उन्होंने नहीं की। जानते हो दोबारा यीशु ने उन्हें बताया कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हो। तुम चाहते हो लेकिन होती नहीं, ये कहा गया है। शरीर तुम्हें पकड़ के बैठा है पर तुम्हारी स्पिरिट विलिंग है। आप जानते हो आप में से कुछ लोग प्रेयर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने अपने शरीर की इतनी मानी है, आपने जो इसको खाने के लिए चाहिए उसको दिया है, इसको जैसे रहना है जैसे करना है आपने उसको रहने दिया है, और अब ये इतना जिद्दी हो गया है कि अब आपकी भी नहीं चलती इसके सामने, अब आपकी भी नहीं चलती। मुझे कभी कभी लगता है हम विश्वासियों को एक उपवास करना चाहिए, और जानते हो उपवास कौन सा? आज सारा दिन फोन नहीं लेंगे, दिस टाइप ऑफ फास्टिंग। और आप देखो आपकी आपका फोन वहां पर पड़ा रहे, आपको हो क्या रहा है अंदर से? ये कभी कभी लोग डॉग को छड़ी मारते हैं जो कि गलत है। आपने देखा डॉग कैसे भागता है? आपने देखा कभी इंटरनेट बंद हो जाए लोग कुत्तों की तरह भागते हैं। एक मिनट में 10 बार कॉल, किधर है भाई तू, बंद हो गया है, जल्दी चालू कर, लाखों का नुकसान हो रहा है मेरा। 2 मिनट इंटरनेट चालू होगी, क्या हुआ अंकल, किधर हो? देखो समझ में नहीं आता कौन सा इनका मॉल चल रहा है, कौन से इनके शक्कर के जहाज चल रहे हैं, कौन से इन्होंने रेलवे खरीदी है सर मोदी से,
ये इन्हें रह क्यों नहीं पाते, जानते हो क्यों? आदत हो गई है। इसराइलियों को ना काम करने की आदत थी, इसलिए जब वो बैठे रहते थे ना, खाना नहीं मिल रहा है, कुड़कुड़ना चालू करते थे। अरे उधर बैठते थे, खाना तो मिलता था, अदरक मिलती, लहसुन मिलता था, इधर क्यों लाया तू हमें? उन्हें काम करने की आदत हो गई थी। आप जानते हो जब यीशु ने उनको कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आप जानते हो उन्होंने प्रार्थना नहीं की और सारे परीक्षा में चले गए। अब मैं फाइनल पे आता हूं, सुनिए यीशु ने प्रार्थना क्या की। यीशु ने कहा, पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये जो प्याला तूने मेरे सामने रखा है ना, इसे हटा ले, पर मैं फिर भी ये कहता हूं मेरी नहीं जो तेरी इच्छा है ना वो पूरी कर। वंस ही प्रे, सेकंड ही प्रे, पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो प्याला तूने मेरे सामने रखा है इसे हटा, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सेकंड, थर्ड टाइम सेम वर्ड्स सेम प्रेयर, वन आवर वन आवर वन आवर, 3 घंटे वो दुआ में बैठा। अब यहां देखिए, जानते हो प्रेयर क्या करती है? जब उसने तीसरी बार ये प्रार्थना की, लूका में लिखा है एक स्वर्गदूत आया, एंड यू नो जीसस के पास ऑलरेडी होली स्पिरिट था, लेकिन जानते हो वहां पर क्या लिखा है? एंजल उसको पावर ऑफ गॉड देने आया। आप बिलीव कर सकते हैं? यीशु के पास ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, यीशु ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन एक एंजल आया और लिखा है उसने उसे ताकत दी। और जानते हो जब उसे सामर्थ मिली उसके बाद ही नेवर प्रे। अब पढ़ के देखिए, चौथी बार वो प्रार्थना दोहराई नहीं गई है। उसके बाद वो खड़ा हो गया और हर एक को कहता है, देखो मेरे पकड़वाने वाले आ गए, और सरेंडर हो जाता है। आप इससे कितने लोगों ने यह बात देखी, प्रार्थना ने सिचुएशन को नहीं बदला, प्रार्थना ने व्यक्ति को बदल दिया। हैव यू नोटिस्ड? बहुत बार प्रार्थना हो सकता है आपके इर्द गिर्द का माहौल न बदले, बट दिस इज गारंटी वो आपको बदल देगी। ट्रस्ट मी, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे इतने लंबे अरसे से हम दुआ कर रहे हैं पापा के उद्धार के लिए, मम्मी के उद्धार के लिए, चाचा के उद्धार के लिए, इतने साल से प्रे कर रहे हैं कि पड़ोसियों से हमारी बात अच्छे से हो, लड़ाई झगड़े होते, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। जानते हो क्यों नहीं आ रहा? खुदा ने क्यों रहने दी है चीजें? फॉर वन रीजन, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा आपको बदलना चाहता है। सुनिए, ये एक हारी हुई दुआएं हैं कि अगर आप खुदा से कहते हो कि ये चीजें ठीक नहीं करेगा तो कैसे होगा। आप जानते हो पॉल अपना हर लेटर दुआ के साथ शुरू करता था। आप ना कभी कभी पूरा हफ्ता लीजिए और पौलुस की दुआएं पढ़िए, आपको इतना सीखने मिलेगा। और जानते हो जो जब वो एफिशिएंस के लिए प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? पिता हमारे प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं तू इन्हें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत कर। आपको पता है पॉल विश्वासियों के लिए प्रार्थना क्या करता है? इन्हें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत कर। वो ये नहीं कहता है कि प्रभु तू इनके इर्द गिर्द का माहौल बदल, वो कहता है तू इन्हें चेंज कर। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आप यहां पर देखिए, आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो इस बात के गवाह हैं कि आपने कुन कुन चीजों के लिए दुआएं की, वो चीजों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको एडजस्ट करना सिखा दिया। जानते ये कैसे हुई? आपको क्या लगता है आप आधा घंटा दुआ कर रहे हो, आप क्या हवा से बात कर रहे हो? हाँ, एक होता है प्रार्थना, उससे बात करना, एक होता है निवेदन, जब आप उसे कहते हो प्रभु मेरी इस बात पे थोड़ा अधिक ध्यान देना, उसके बाद होती है विनती कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो कि ये चीज मुझे बड़ी बॉदर करती है। जानते हो लास्ट में क्या लिखा गया है? ये तीनों चीजें तुम्हें कहां लेके आएंगी? धन्यवाद। आप एक धन्यवादी व्यक्ति बन जाएंगे। जानते हो जब आप प्रभु को ऐसा कहते हो, लॉर्ड आई थैंक यू,
वी थैंक यू, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। जानते हो जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो, आप तो नॉर्मली देते होंगे धन्यवाद धन्यवाद, आप जानते हो जब आप प्रभु को कहते हो लॉर्ड थैंक यू, तो आप जानते हो एक्चुअली से आप क्या कह रहे हो, लॉर्ड आपने जहां भी मुझे रखा है आई एम ओके, थैंक यू। ये आपका फेथ है, दिस इज फेथ। उन्होंने कोई भी बात एम्प्टी नहीं लिखी, बस आपको आपको पता होगा आजकल पीपल आर फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ लॉ। खाने से पहले धन्यवाद देना है, प्रभु जी आपका धन्यवाद। और कुछ लोग आपको पता है इतना लंबी प्रार्थना खाने के लिए करते हैं, खाना ही ठंडा हो जाता है। यू नो जब ही आप बैठते हैं धन्यवाद, आप उठते हैं धन्यवाद। कभी कभी आपने देखा है आपका हृदय धन्यवाद ही नहीं है, आपके जीवन में पैटर्न बन गए या सिस्टम। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, दे आर नॉट, उनके पास कोई ग्रेजुएट नहीं है, उनके अंदर कोई अभाव नहीं है, उनको रट गया है धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु कहता है आज कुछ किया भी नहीं फिर भी धन्यवाद बोलता है, इसको आदत हो गई है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो सच में जानते हैं। आप जानते हो हम अधिकतर लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं जब सब चीजों को वो दे देता है, लेकिन उसने लिखा दो मछली और 5 रोटी कमी घटी के अंदर उसने वो उठाया और कहा थैंक यू। और जानते हैं जब उसे ये कहा धन्यवाद, नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है, भरपूरी आ गई। वाओ, लोगों ने इतना खाया और जानते हैं अंत में क्या हुआ, 12 टोकरियां बची। हर चेले के पास अपनी अपनी टोकरी थी, जो बच्चा वो लेके गए, हर एक के पास टोकरी भर के खाना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जो इस बात को समझ पा रहे हैं, प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हो जो भी लोग प्रेयर नहीं करते हैं ना, आप जानते हो आप परीक्षाओं में चले जाओगे, परीक्षा आपको कुछ नहीं करेगी, ना आपको गरीब करेगी, ना आपको बीमार करेगी, ना आपको दुष्ट बनाएगी। आप जानते हो पर आप क्या हो जाओगे, आपको पता है जब आप प्रेयर निग्लेक्ट करोगे तो होगा क्या, मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के, अच्छा ऐसा भी होता है। आप है ना एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो अपने जीवन में हर चीज अपने संघर्ष से ठीक करने की कोशिश करेगा। ट्रस्ट में, स्वयं की ताकत। कभी आपने मैप देखा है, मैप पूरे दुनिया का, आज बुकशॉप पे जाओ, आप मैप लेके आओ और ढूंढो इज़राइल कहां है, कनान। आपको पता है मैप में आपको पता चलेगा कनान जो था ना मैप में है ना, उसका जो शेप है ना इंसान की तरह है, मैंने निकाल के देखा है, ह्यूमन बॉडी की तरह शेप है उसका, शरीरिक। अब जानते हो जब प्रभु ने उनको कहा जाओ कनान पर जय पाओ, आप जानते हो जैसे जैसे वो उसमें एंटर हुए, यहोशू और कालेब सबको मारते गए। ये चित्र है उस जीवन का कि ये शरीर है, इसमें दानव है, पैसों का प्रेम, व्यभिचार, जलन, घमंड। प्रभु ने कहा कनान को वश में लो। आमेन। प्रार्थना हर बार आपकी सिचुएशंस नहीं बदलती, प्रार्थना बहुत बार आपको बदल देती है, वो आपको चेंज कर दी है। और आप ये बात जानना चाहते हैं, बस मैं 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। यहां देखिए, आप जानना चाहते हैं एक आदमी जब दुआ करता है उसे कितनी सहने की ताकत मिल जाती है, आप ये बात जानना चाहते हैं? सी जीसस ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह को देखिए। हमारे कलीसिया के एक भाई ने कहा जब वो क्रूज पे था, अगर उसने क्या कहा, इन्हें माफ करो या इन्हें साफ करो, परमेश्वर ने ये कहा क्या, पिता मैं दुआ करता हूं इन्हें साफ कर, मैं ऐसा बोलता।
मैंने एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुना था, एक आदमी ने एक प्रभु के दास को कहा कि हम गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह का जो वो क्रूसिफिकेशन होता है ना, क्रॉस पे मरना, उसका हम ड्रामा करते हैं। तो उस भाई ने कहा, तू हमारे कलीसिया में भी करेगा? बोला, हाँ मैं करूँगा। तो जो भी लोग अभी उसको जीसस बना दिया गया और वो ऐसे टंगा हुआ था, तो नीचे जो लोग खड़े थे ना, एक आदमी ने सच्ची में थूक दिया उसके ऊपर, स्पैट ऑन, सच्ची में थूक दिया उसके ऊपर, अरे यीशु यहां पर, और थूक दिया। जानते से क्या कहा? उसने कहा, वेट, मैं नीचे उतरू, मैं तुझे बताता हूं। हाँ, कई लोग एक्टिंग करते हैं, नम्र हूं मैं, दीन हूं, फिर थोड़ा उनको टच करो। मुझे आज भी याद है, हमारे चेतन भाई यहां बैठे हैं, कुछ समय पहले मैं आपके लड़के के साथ गया था पूना, तो हमें पता नहीं था, इतना क्राउड आ गया वहां पर, बहुत सारे लोग आए, तो हमारी जो टीम थी ना, उनको धक्का मुक्की हो गई, मतलब उनको पता नहीं था कि ये मेरे साथ हैं, तो वो उनको दूर कर करके मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो गौरंग भी वहीं खड़ा था, गौरंग वहां खड़ा था, गौरंग को एक धक्का दे के बोला, अरे साइड हट, मिलने दे। गौरंग ने मेरे को बोला, मां कसम आज पूरी नम्रता खोने वाला था। मुझे गौरंग बात में मिला, बोला, भाई धन्यवाद हो प्रभु का, मां कसम आज मैं पूरी नम्रता खोने वाला था, आज मैं गौरंग हो जाता। होता है ना, हा? जितने भी लोग नम्र हैं, मेरी दुआ है खुदा आज आपको खपोली ट्रेन में चढ़ाए, और जैसे आप चढ़ोगे आपको पता चलेगा हाउ मच हम्बल यू आर, आप कितने नम्र हैं। आप नेक्स्ट डे आके कहोगे, यार घमंड के पहाड़ है मेरे अंदर, एक आदमी ने छू दिया उस पहाड़ को आज। बोलो यीशु मसीह की मेरे पीछे, कहिए प्रार्थना। कभी कभी सिचुएशंस नहीं बदलती, वो मुझे बदल देती है। यस, आमीन। आइए अपने बाजू वाले से कहिए, मेरे बदलने का वेट मत कर, खुद बदल जा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये बदले। प्रभु बोलता है, वो इसलिए नहीं बदल रहा था कि तू बदले। बोलिए जोर से, बोलिए, कोई बदले या न बदले, मैं बदलूंगा। यस, दुआ अभिषेक लाती है, अभिषेक गवाह बना देता है। आमीन। यस।